बिहार में चुनाव की अपनी पहली रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। प्रधानमंत्री ने सासाराम की रैली में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो जम्मू कश्मीर से हटाए गए आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने की मुहिम चलाने वालों का साथ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रचने वालों का साथ देने से भी हिचक नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी यहीं नहीं रुके और साफ किया कि अब देश अपने मजबूत फैसलों से पीछे हटने वाला नहीं है। ये लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा।